राजनीति दिल्ली में भी बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी घर के रेनोवेशन में 40 करोड़ से ज्यादा लगा दिया। इस पर बीजेपी ने किया बड़ा अटैक, कर रहे हैं पलटवार। संजय सिंह, ये 12-12 करोड़ की कार खरीदने का फैसला उस वक्त हुआ जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, शमशान पे लाशें बिछी। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ, 8400 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए कोरोना की महामारी में खरीदते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त 8400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। अब कोरोना की बात कर रहे हो, ड्रामे की बात कर रहे हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं ये तो करंट नहीं है, करंट फोटो देख लीजिएगा, एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुद्दा क्या है असल में? हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर चर्चा करो, पुलवामा के घटने में लापरवाही क्यों की गई इसकी चर्चा करो, हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी चर्चा करो, 5 एयरक्राफ्ट अगर मांगा जा रहा था उन जवानों को पहुंचाने के लिए तो 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं मिला? जब भारत के प्रधानमंत्री 8500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं तो हमारे वीर जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये उठ रहा है, सवाल उठ रहा है कि अडानी के साथ जो आपने महाघोटाला किया, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अडानी की कंपनियों में लगाया गया, इस पे जेपीसी बनाओ, सवाल ये उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 6-6, 8-8 कोल्ड ब्लॉक नियमों के विपरीत जाकर अडानी को क्यों भेज दिया गया? भारत सरकार के कानून के खिलाफ अडानी को कोयला की खदानें क्यों दे दी गई? सवाल यह उठ रहा है कि एयरपोर्ट कैसे दे दिया गया, सीपोर्ट कैसे दे दिया गया? तमाम आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकारी घर में रेनोवेशन के लिए 40 करोड़ से ज्यादा लगा लिए, ये बीजेपी का आरोप पलटवार कर रहे थे संजय सिंह।